हेलो दोस्तों एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की वीडियो का टॉपिक है रोटी के बारे में। रोटी खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, खानी चाहिए तो कितनी खानी चाहिए, जिसका मसल बिल्डिंग गोल है उसको कितनी खानी चाहिए, जिसका फैट लॉस गोल है उसको कितना खानी चाहिए, जिसका मास गेन है उसको कितनी खानी चाहिए, तो नॉर्मल ऑफिस में रहता है वो कितनी खानी चाहिए, उनको पूरे दिन में मम्मी पापा सबको कितनी खानी चाहिए, खानी चाहिए खानी चाहिए खानी चाहिए कितनी खानी चाहिए। तो इस वीडियो को एंड तक देखें, एक एक बंदे के बारे में बता दूंगा, आपको सारा समझ आ जाएगा रोटी के बारे में। अगर एक भी कन्फ्यूज़न रोटी को लेके आपको सारी क्लियर होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो बात करते हैं रोटी की। रोटी किससे बनती है? आटे से। और आटा किसका बना हुआ है? गेहूं का। गेहूं क्या क्या है? बीटरूट। बीटरूट क्या है? कार्बोहाइड्रेट का सोर्स। तो दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, एक सिंपल कार्ब एक होते हैं कॉम्प्लेक्स कार्ब, जो सबको पता है। अब आते हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट, रोटी क्या है। तो वीडियो को देखो, पता चलेगा और सारी चीज़ें दूर हो जाएगी। तो सिंपल कार्ब का बहुत सारा चांस है वो आपका फैट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कॉम्प्लेक्स कार्ब है उसमें बहुत कम चांस है जो आपका फैट में कन्वर्ट होगा। तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स कार्ब इज़ फार बेटर देन सिंपल कार्ब्स। तो बात करते हैं रोटी की। तो जब भी आप गोल करोगे आपको पता चलेगा कि यहाँ वहाँ वीट 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 फ्लोर। वीट फ्लोर तो एक कॉम्प्लेक्स कार्ब है और वीडियो भी बनाई है कॉम्प्लेक्स कार्ब, रोटी कॉम्प्लेक्स कार्ब है। तो गाइज ऐसा कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ क्यों। जब आप किसी चीज़ को सेकते हो उसका कलर ब्राउनिश हो जाता है, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि जो उसकी डाइजेशन प्रॉपर्टीज़ है वो फास्ट हो जाती है। आप किसी चीज़ को कच्चा खाओगे, जैसे आप पनीर और एक चीज़ को पका के खाओगे, दोनों की डाइजेशन में जो डाइजेस्टिंग टाइम है उसमें डिफरेंस आ जाएगा, एक फास्ट हो जाएगा एक स्लो हो जाएगा। तो जब आप रोटी को पकाते हो उसका कलर ब्राउन होने लगता है, इसका मतलब है कि वो उसका न्यूट्रिएंट बन के वो फास्ट डाइजेस्टिंग हो गई है। इसका मतलब है कि अगर आप पूरे दिन में 4 से 5 रोटी खा रहे हो तो 100% वो आपको नुकसान कर रही है, क्योंकि वो डायरेक्ट जाके आपके फैट में स्टोर हो रही है। और बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि भाई हम तो 8-8 रोटी खाते हैं और हमें तो फैट में स्टोर नहीं होता है। तो भाई मैं भी 12-12 रोटी खाता था, जब मैं बात करूँ जिम नहीं जाता था या जब मुझे इस बारे में पता नहीं था, तो मैं भी 12-12 रोटी खाई हुई है। मेरे को तभी फैट स्टोर नहीं हुआ और अभी भी नहीं हुआ। तो भाई वो डिपेंड है आपके ग्लूकोज टॉलरेंस पे, आपके कार्बोहाइड्रेट, आपकी बॉडी कितना टॉलरेंट कर सकती है। हम हैं पतले लोग और नॉर्मल इंसान इंडिया में है ओबीज पीपल। अब ओबीज पीपल 3 या 4 रोटी खाएंगे तो उनका वेट बढ़ना ही। जो लोग मोटे हैं, जो लोग बिल्कुल ही एक्टोमॉर्फ है, वो भी इतना कार्बोहाइड्रेट मत खाओ। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जब आप बोलोगे हमारा फैट तो बढ़ता ही नहीं, हम कितनी भी रोटी खा लें, मगर इतनी ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लेने से आपकी बॉडी में रोटी से कार्ब हो जाएगा, तो आप दूसरी चीज़ें क्या लोगे? आप अपनी बॉडी में इतने ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट लोड कर दोगे, आपकी बॉडी इतनी है नहीं लोड करने लायक, तो उसको बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। इवन आप देखते हो, जब मैं एग्जांपल बता देता हूँ, आयरन मैन है, आयरन मैन को जब मूवी में गोली मारते हैं तो दूर से कुछ नहीं दिखता है, कुछ नहीं हुआ उसे। जब आप जूम दिखाते हो उसको मूवीज़ में, तो देखते हो कि छोटे छोटे पार्टिकल्स उसको भी इफेक्ट करते हैं। तो बेशक हमें कार्बोहाइड्रेट इफेक्ट ना करे इतना, मगर हमें ज़बरदस्ती क्यों लेना है ज़्यादा? तो कितनी रोटी खानी चाहिए? तो एक रोटी में लगभग 22 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है, और 22 ग्राम मतलब दो रोटी खा लेंगे तो 44 ग्राम के आसपास। वो डिपेंड है आपकी माता जी, आपकी मम्मी, आपकी मॉम, माँ किस टाइप की रोटी बनाती है। मेरी मम्मी इतनी बनाती है, इतनी बड़ी 22 ग्राम की, तो डिपेंड है कितनी बड़ी रोटी बनाती है। 22 ग्राम कार्ब होते हैं एक रोटी में। तो अब हाँ, रोटी 90% लोग इंडिया में जो होगी रोटी के बिना नहीं रह सकते हैं। अब मैं बताऊंगा वीडियो में कि चावल की वीडियो बनाऊंगा, रोटी या चावल में बताऊंगा क्या खाना चाहिए। बट अगर आप रोटी खाना ही चाहते हो, कि मैं ये नहीं कहता कि आप मत खाओ, अगर आप खाना ही चाहते हो कि ऐसे आप कितनी खा सकते हो, 2 इससे ज़्यादा मत खाओ, क्योंकि 44 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आपने एक बार में पहुँचा दिया है तो पूरे दिन में आप अपनी कार्बोहाइड्रेट की वैल्यू कैसे एडजस्ट करोगे? मैक्सिमम अगर आपको खानी है भी, दिन में 2 रोटी खा सकते हो। अगर आपको रोटी खानी है 2 से ज़्यादा मत खाओ। तो लोग बोलेंगे कि ये कॉम्प्लेक्स कार्ब है, गूगल पे पढ़ के, तो जाके पढ़ो कि किसी चीज़ को सेकते हैं तो उसका ब्राउनिश कलर क्यों होता है और उसकी डाइजेस्टिंग जो प्रॉपर्टीज़ है वो कैसे चेंज हो जाती है। तो रोटी के सिकने के बाद, ब्राउन होने के बाद, वो फास्ट डाइजेस्टिव हो जाती है आपकी बॉडी में कहीं, और आपकी बॉडी को एनर्जी देगी जल्दी और फैट में ही बहुत ज़्यादा जल्दी कन्वर्ट हो सकती है। तो 2 से ज़्यादा रोटी खाओगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो लोग नॉर्मल है, जैसे कि नॉर्मल इंडियन है, उसका फैट में कन्वर्ट होना ही होना है। जो लोग बोलेंगे भाई मेरे को फैट तो चढ़ता ही नहीं है, तो ज़बरदस्ती अपनी बॉडी क्यों ख़राब कर रहे हो? नहीं चढ़ता है। मेरे को भी नहीं चढ़ता, मैंने 10 खाई हुई है, 2 खा सकते हो, 44 ग्राम कार्ब्स है, सिंपली आपकी बॉडी एडजस्ट कर सकती है। आप जिम जाओगे तो वो पूरी एनर्जी में यूज़ हो जाएगी।
तो ये है रोटी का टॉपिक। आपको पता लग गया होगा कि रोटी कैसी खानी चाहिए, कितनी खानी चाहिए और उसकी डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो फास्ट डाइजेस्टिव है और क्यों ब्रैनिश करने के बाद क्या हो जाता है और इतनी कितने कार्ब्स होते हैं। तो ये है रोटी के बारे में वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो अपने भाई के चैनल को और सब्सक्राइब कर दो अपने भाई के चैनल को। ब्लैक कलर का बटन है, सांड बन जाओ और तोड़ दो।